खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद के तालीमी इदारों में तलबा के कोरोना टेस्ट, सीईओ एजुकेशन के मुताबिक अब तक 3 केसेस सामने आए हैं। तमाम तालीमी इदारों में एसओपीज के मुताबिक तदरीसी सरगर्मियां जारी हैं। दूसरे मरहले में मिडिल क्लासेस भी शुरू करवा दी गई हैं। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमती ऐलान के बायस दूसरे मरहले में आज तालीमी अदारों को 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लासेस के लिए भी खोल दिया गया है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद की तहसील समुद्री के 2 स्कूल के बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हुई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इस फैसले पर बरकरार थी कि आज से तमाम जो मिडिल क्लासेज हैं उनका भी आगाज़ होगा। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने मुख्तलिफ स्कूल का विजिट भी किया। ओवरऑल सूरत हाल क्या है ज़िले की? अभी तक 2 कोरोना के जो पेशेंट हैं, जो वायरस है, तस्दीक हो चुकी है 2 तलबा में। ओवरऑल सिचुएशन क्या है, कितने असाजा के अब तक टेस्ट लिए गए हैं, कितने स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए गए हैं, और स्कूल में एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है? क्या कहते हैं सर, जिले की सूरत हाल क्या है तालीमी हलकों के हवाले से, और 2 तलबा में समुद्री में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है? ओवरऑल कितने बच्चों के अब तक टेस्ट हो चुके हैं, कितने असाजा के टेस्ट हो चुके हैं, और मजीद एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से क्या सिचुएशन है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड फेज जो है वो आज कामयाबी के साथ हमारे बच्चे स्कूल्स में पहुंच गए हैं। और जहां तक एसओपीज का तल्लक है, एसओपीज तो हमारे हर हवाले से मुकम्मल हैं अल्लाह के फजल करम से। दूसरी ये चीज़ कि जो स्ट्रेटजी, जो प्लान बनाया गया है हर स्कूल का, वो भी मौजूद है। जहां तक टीचर्स के टेस्ट का तल्लक है, तकरीबन कोई 1500 से ज़ायद टीचर जो हैं उनके टेस्ट लिए गए थे, उनमें से कोई एक भी पॉजिटिव नहीं आया। अब बच्चों के जो टेस्ट हो रहे हैं, इसमें अभी तक 1150 के करीब बच्चों के टेस्ट हो गए, जिनमें से सिर्फ 3 टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। वो भी एक क्लास के 2 बच्चे थे, एक क्लास का एक बच्चा था, तो उस क्लास को हमने फिर छुट्टी दे दी। वो बच्चे को उनको कहा, हमने कहा कि वो रेस्ट करें, तो क्लासरूम को डिसइनफेक्ट करके उनको बंद कर दिया गया। तो बाकी हमारे बच्चे, हमारे टीचर जो हैं वो एसओपीज के ऊपर जो हैं वो अमल कर रहे हैं।